हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी का सेट नंबर 25। अगर आपने इससे पहले के अभी तक के कोई भी सेट नहीं देखी होंगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड प्लीज़ चेक द वीडियोस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो वोकैबुलरी आपके लिए ऑलवेज जो है वो हेल्पफुल रहती है इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो आप इसको पढ़ें। और प्लीज़ मैं आपको फिर से रिकमेंड करती हूँ कि वोकैबुलरी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो आज के सेट में हमारे फिर से 5 वर्ड्स होने वाले हैं, तो फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है। फर्स्ट वर्ड देखिए हमारा है डॉज। डॉज एक वर्ब भी होती है और एक नाउन की तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर दोनों लिखे हुए हैं। अगर डॉज का मीन्स वर्ब में आया है तो उसका मतलब होता है टू मूव क्विकली। आप कहीं से एकदम से मूव कर जा रहे हो, यानी आप उस जगह से एकदम से हट जा रहे हो या कोई बहाना कर रहे हो, ठीक है। और अगर डॉज जो है वो एज अ नाउन आपके सेंटेंस में यूज हुआ है तो उसका मीन्स होता है क्लेवरनेस एंड ट्रिकरी। कोई बहुत ज्यादा चतुर है, आपको धोखा दे सकता है या फिर आपको चकमा दे रहा है। तो डॉज को हम दोनों तरीके से अपने सेंटेंसेस में जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से इसलिए मीनिंग जो है वो क्लियर कर दिया है। सिनोनिम देखिए इसके क्या है। अवॉइड, अवॉइड होता है किसी चीज़ को नकारना, किसी चीज़ में आप क्या करो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। एस्केप होता है बच जाना। हेज का मतलब भी होता है बचना। इल्यूड ट्रिक, इसका दोनों का मतलब होता है आप क्या करो किसी को धोखा दे रहे हो, आप ट्रिक यूज कर रहे हो चकमा देने के लिए। तो ये सारे इसके जो है वो सिनोनियम्स हैं। एंटोनियम देखिए क्या है इसका। फेस मतलब आप किस कहीं से हट नहीं रहे हो बल्कि उसका सामना कर रहे हो। और है मीट हो जाएगा इसका और कन्फ्रंट हो जाएगा। तो ये सारे वो वर्ड हैं वो इसके सिनोनियम्स हैं। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल। शी ट्राइड टू डॉज पेइंग हर टैक्स। वो अपने टैक्स को पे करने से क्या करना चाह रही है, बचना चाह रही है, ठीक है। तो डॉज यहाँ पर यूज हुआ है बचने के सेंस में, ओके। तो डॉज का मीन्स आपको क्लियर हुआ। आइए देखते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ चलते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारे पास बिजार। बिजार वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसका मीनिंग है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बहुत ज़्यादा बहुत अलग या फिर बहुत अजीब, ठीक है। तो सिनोनियम इसके हो जाएंगे वियर्ड, ऑड, एबनॉर्मल, क्वीर। क्वीर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वीर थोड़ा सा डिफरेंट सा वर्ड है, तो इसका मतलब भी होता है अजीब या अनोखा। तो ये सारे वर्ड जो है वो इसके सिनोनियम्स हैं। एंटोनियम्स देखिए क्या है। नॉर्मल जो सामान्य है, ऑर्डिनरी, कॉमन, रेगुलर। एक चीज़ जो है वो स्ट्रेंज है, यानी बिल्कुल बाकी चीज़ों से अलग है, अनोखी है, ठीक है। तो दूसरी तरफ उसका एंटोनियम हो जाएगा सामान्य, यानी बिल्कुल बाकी चीज़ों की तरह ही है, उसमें कोई अलग नहीं है, ओके। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। ही मेड सम टोटली बिजार कमेंट्स। उसने क्या किए हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब से क्या करे हैं, कमेंट्स करी हैं। तो बिजार देखिए कमेंट्स हमारा नाउन है और बिजार जो है वो इसकी क्या बता रहा है भाई, खूबी बता रहा है। कमेंट कैसे करें, अजीब कमेंट करें, ठीक है ठीके? तो इसको क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो नाउन को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो बिजार हमारा जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है। आइए देखते हैं थर्ड वर्ड क्या है हमारे पास। थर्ड वर्ड देखिए हमारे पास है फ्ली। फ्ली वर्ड जो है वो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और अ सिचुएशन ऑफ डेंजर। मतलब किसी प्लेस से या कोई डेंजर की सिचुएशन आ गई है, कोई खतरे की कंडीशन आ गई है, तो वहाँ से भाग जाना। तो भाग जाना जो है वो इसका क्या है, मीनिंग है। तो भाग जाना मतलब आप बच के निकल रहे हो, तो एस्केप हो जाएगा, लीव हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा, सभी का मतलब है बच के निकलना। एंटोनियम का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आप एक तरफ तो बच के निकल रहे हो, दूसरी तरफ उसका सामना कर रहे हो, ठीक है। कन्फ्रंट मतलब आप किसी चीज़ का सामना कर रहे हो, चैलेंज, एनकाउंटर, फेस। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। नाउ हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही फ्लीड, फ्लीड यहाँ पर इसकी सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। ही फ्लीड टू लंडन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद हिज फैमिली। उसकी फैमिली के आर्ग्यूमेंट के बाद वो एकदम से क्या गया, लंडन जो है वो भाग निकल गया। तो यहाँ पर फ्लीड की जो फ्ली की सेकेंड फॉर्म है वो यूज हुई है। तो फ्ली याद रखना, भाग जाना, बच के निकल जाना।
अगला हमारे पास फोर्थ वर्ड है आज का ब्लीक। ब्लीक वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉट होपफुल और एनकरेजिंग, मतलब कोई सिचुएशन आपके पास ऐसी है जिसमें कोई होप ही नहीं बची, कोई आशा ही नहीं है, वहाँ से कोई आपको एनकरेजमेंट नहीं मिल रही, मतलब निराशाजनक चीज़ें, उसे कहते हैं ब्लीक कहते हैं। सिनोनिम देखिए इसके क्या क्या हैं, डिस्करेजिंग है, एडवर्स, बिटर, ग्लूमी। तो ध्यान रखना सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, लेकिन वर्ड का मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है। ब्लीक का वर्ड मीनिंग याद रखना, और काफ़ी बार ब्लीक वर्ड जो है वो एग्जाम में पूछा भी गया है। तो डिस्करेजिंग मतलब जहाँ से आपको कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलती हो, आपको निराशा ही मिल रही है। एडवर्स, बिटर, ग्लूमी सबका मीन्स होता है निराशाजनक। ओके, एंटोनियम देखिए क्या हो जाएंगे, एक तरफ आपको निराशा मिल रही है मतलब आप दुखी हो, इट मीन्स उल्टा क्या हो जाएगा, आप खुश हो, प्लीजेंट, आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीजेंट हो जाएगा, होपफुल यानी आशाजनक चीज़ें, ब्राइट हो जाएगा, एनकरेज हो जाएगा। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल, द फ्यूचर लुक्स ब्लीक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। जो फिशिंग इंडस्ट्री है उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक दिख रहा है, कि फिशिंग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर होने वाला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो ब्लीक वर्ड ध्यान रखिए, एंड नॉट एनकरेजिंग या नॉट होपफुल, जहाँ से कोई भी आशा की उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही हो। आइए देखते हैं लास्ट वर्ड आज का क्या है, और ये वर्ड काफ़ी एग्जाम में भी आया है, प्लॉय। प्लॉय वर्ड जो है वो एक नाउन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वर्ड और एक्शंस दैट आर केयरफुली प्लान्ड टू गेट एन एडवांटेज ओवर समबडी एल्स, मतलब आपके ऐसे वर्ड्स या आपका कोई एक्शन जो पहले से ही बहुत अच्छे से प्लान किया गया हो ताकि आप किसी के एडवांटेज ले सको। टू गेट एन एडवांटेज ओवर समबडी एल्स, आप किसी की अगर एडवांटेज ले रहे हो, आपने ऐसा कोई प्लान कर लिया कि भाई मैं उसका क्या फ़ायदा उठाऊंगा पूरा का पूरा, तो ऐसे कुछ वर्ड्स या फिर आपने ऐसी कोई एक्शन किया हो यानी आपकी कोई चाल, इट मीन्स हिंदी में से क्या कहेंगे, आप क्या कर रहे हो, चाल चल रहे हो। जैसे आपने टीवी वगैरह में सीरियल्स में देखा होगा कि लोग चाल ही चलते रहते हैं एक दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में प्लॉय कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं टैक्टिक, ट्रिक, स्ट्रैटेजी या गैम्बिट, सभी का मतलब होता है चाल। एडवांटेज हो सॉरी एंटोनियम देखिए क्या है, एंटोनियम इसका अगर हम उल्टा बात करें तो चाल चलने का उल्टा क्या हो जाएगा, आप दूसरी तरफ क्या हो, ईमानदार हो, आप किसी का फ़ायदा नहीं उठा रही हो। तो एंटोनियम में हो जाएगा ऑनेस्टी हो जाएगा, फेयरनेस है, सिंसियरिटी है, तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल, इट वॉज ऑल अ प्लॉय टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम हिज रियल एम्स। इट वॉज ऑल अ प्लॉय, ये पूरी तरीके से उसकी चाल है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की, उसका ध्यान हटाने की अपने रियल एम से, मतलब जो उसका रियल में लक्ष्य है, जो उसका जिंदगी का एम है, लक्ष्य है, वहाँ से उसको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी तरीके से उसकी क्या है, चाल है। तो इट वॉज ऑल अ प्लॉय, प्लॉय का मीन्स क्या होगा, चाल होगा। तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड्स, एंड प्लीज़ मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि इंग्लिश वोकैबुलरी सेक्शन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, आप इसको पढ़ें, वीडियोस देखें, और अब हम इस आप हम अगली जो वीडियोस हैं उनमें क्विज़ करने वाले हैं वोकैबुलरी की। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्विज़ कराई थी उसके बाद मैंने जितनी वीडियोज़ आपको कराई हैं वहाँ से मैं आपको क्विज़ कराऊँगी ताकि आपका रिविज़न हो सके। अगर आप वीडियोज़ पढ़ रहे होंगे तो आप वो क्विज़ जो है वो ईजीली सॉल्व कर पाओगे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ पहले वीडियो पढ़ें देन फिर क्विज को सॉल्व जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम एंड बी सेफ। इस टाइम प्लीज अपने घरों में रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।